मैंने आर्चरी 2012 में स्टार्ट की थी। मैं उस टाइम 8 साल की थी। जो फेयर्स में से जो बो मिलते हैं बैम्बू वाले, हमने उससे स्टार्ट किया। मैंने आर्चरी अपने घर की छत से स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं था, करनाल में कोई कोच नहीं था आर्चरी का। तो पापा ने टारगेट मंगवाया और घर की छत पे टारगेट रखा, तब मैंने आर्चरी स्टार्ट की। जब मेरा मेडल आया, मैंने पापा को दिखाई अपनी फ़ोटो वो इंडिया की जर्सी में, तो वो अलग फीलिंग थी। आर्चरी को स्टार्ट हुए बहुत साल हो गए हैं। हर साल हमारी टीम ओलंपिक्स में जाती है, बट हर साल खाली हाथ आती है। मैं इंडिया को आर्चरी में पहला मेडल दिलवाना चाहती हूँ ओलंपिक्स में। वर्ल्ड कप था कोरिया में, तो मेरी फाइट थी कोरियन आर्चर के साथ। ऐसा बोलते हैं कि आर्चरी में वर्ल्ड में नंबर वन कोरियन आर्चर्स हैं, और वो 2 टाइम्स ओलंपियन भी थी। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर था कि वो बहुत बड़ी, बहुत सीनियर प्लेयर है मुझसे, और मैं कहीं ना कहीं डर रही थी कि पता नहीं मेरा ये एरो कहाँ जाएगा। बट मैंने उस थॉट को साइड में रख के मैंने अपनी शूटिंग को रिकॉल किया कि मुझे कैसा शॉट चलाना है, मेरा बेस्ट शॉट क्या है, और मैंने लास्ट एरो 10 मारा। तो वो राउंड उसका 29 का था और मेरा 30 का था, तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। हरियाणा में क्या है कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब मैंने आर्चरी स्टार्ट की तो कोई ग्राउंड नहीं था, कोई कोच नहीं था। इवन आज भी करनाल में कोई ग्राउंड नहीं है। मैं अपने घर के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पर टारगेट रख के प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को स्टार्टिंग वाले लेवल से ही प्रोवाइड करवानी चाहिए। मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं कि रात को सोने से पहले जब आप अपने बेड पे लेटे हो, तो आप अपने आप को जितने हाईएस्ट लेवल पे देख सकते हो ना खेलते हुए, आप उतने हाईएस्ट लेवल पे देखो उस चीज़ को। तो डेली अपने माइंड में रखोगे, अगर आप डेली ओलंपिक पे गोल्ड मेडल लेने के लिए पोडियम पे चढ़ोगे, तो वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होगी। और मेरी वो हैबिट बन गई है कि मुझे ये किए बिना नींद ही नहीं आती है। तो अगर आप मैच हारो भी, तब भी आपको ये लगना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की थी, जिसका रिजल्ट मुझे आज नहीं मिला तो फिर कभी मिलेगा। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, अपनी इंडिया की जर्सी पहनते हुए कि अपने इंडिया की तरफ से खेलते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे यह तिरंगा पूरे विश्व में, यह नशा मेरे दिल में हिंदुस्तान के सम्मान का है।